इंदौर से नजदीक गौतमपुरा में गोवर्धन पूजा के दिन पारंपरिक हिंगोट युद्ध हुआ, जिसमें दो गांव के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे पर हिंगोट चलाए। गौतमपुरा के एक मैदान में रुणजी और गौतमपुरा गांव के योद्धा मैदान में आमने सामने हो गए। योद्धाओं के हाथ में अपने बचाव के लिए एक ढाल होती है। रुणजी गांव के योद्धाओं को तुर्रा और गौतमपुरा गांव के योद्धाओं को कलगी नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ के योद्धाओं ने एक दूसरे पर हिंगोट चलाए, जो आग के गोले की तरह तेजी से योद्धाओं की ओर चले। हिंगोट युद्ध के इस खतरनाक खेल को देखने हजारों लोग दूर दूर से गौतमपुरा गांव पहुंचे। प्रशासन की तरफ से यहां पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि इस बार 30 से ज्यादा लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं, जिसमें 7 को ज्यादा चोटें आई हैं। जिन्हें कम चोटें आईं, उन घायलों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें घर रवाना कर दिया गया। वहीं 7 घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल देपालपुर भेजा गया। सुरक्षा के लिए 15 फीट ऊंची जाली लगाई गई थी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। मैंने आपको कहा कि 7 लोग हैं जिनको इंजरी हुई है, बाकी किसी को अगर खरोच चाहिए, कोई मैदान में दौड़ते हुए गिर गया है, घुटने में लग गया है, ये बहुत माइनर इंजरी है, उसको तुरंत वहाँ मलम पट्टी लगाकर हमने घर रवाना कर दिया है। कोई मेजर इंजरी उसमें हम काउंट नहीं करते, ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं है। जो 7 लोग हैं उनको अभी हमने एम्बुलेंस से रेफर किया है यहाँ जो PHC है यहाँ पर, और प्राइमरी उपचार उनका करा के और जो उपरांत जांच डॉक्टर को लगेगी वो करके अगर कोई गंभीर मैटर लगेगा तो हम रेफर कर देंगे। हमने यहाँ पर इस बार 12 से 15 फीट ऊंची हमने जाली लगाकर जो जनता आती है देखने और जो लोग उत्साह से आते हैं देखने उनको सेफ रखने के पर्पज से हमने 15 फीट ऊंची जाली लगाई थी, जो अमूमन हर साल 6 से 8 फीट ही रहती है। तो हमने ये एक बढ़ाकर सुरक्षा के प्रबंध किए थे। लगभग 500 से 600 पुलिस बल, राजस्व बल, राजस्व के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हमने डिप्लॉय किए थे और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है आयोजन। कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं रही है। हमारे पास में हमने यहाँ पर 6 एम्बुलेंस डिप्लॉय की थी, जिसमें 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी जो जिले से हमें प्राप्त हुई थी और 4 हमारे पास लोकल एम्बुलेंस थी हमारे ब्लॉक की अवेलेबल, और वो तत्काल पूरी लाइफ सपोर्ट फैसिलिटी के साथ थी। तो कभी जैसे ही उनको कुछ इंजरी हुई थी तत्काल हमने एम्बुलेंस में ही उनका उपचार शुरू कर दिया। सभी नॉर्मल है, मैं आश्वस्त कर सकता हूँ जी। देखिए, इतना बड़ा आयोजन होता है, लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, तो जनता को पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए हमारे पास में, हर रिकॉर्ड उस पूरा मूवमेंट का रिकॉर्ड रहे, हिंगोट युद्ध मैदान में कौन जा रहा है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए और नियंत्रित रखने के लिए हमने CCTV इस्तेमाल किए थे। तो मैदान में हमने 8 CCTV लगाए थे जो हमारे 4 मैदान के अंदर लगे हुए थे और 2-2 दोनों एंट्रेंस गेट पर लगे। ये 5:30 से शुरू हुआ था और अभी आपका 7:45 हो रहा है, लगभग 1.5 घंटा हिंगोट युद्ध। जब मैंने यहाँ शांति समिति की बैठक ली थी पुलिस प्रशासन ने, तब हमने ये जानना चाहा था कि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए ताकि हमारी व्यवस्थाएं और पुख्ता हो जाए, परंतु चूंकि यहाँ तुर्रा और कलंगी 2 गुट हैं, रणजी और गौतमपुरा 2 ग्राम के, ये आपस में लड़ते हैं युद्ध, चूंकि परंपरा है उस नाम पर लड़ते हैं,
तो परंतु कोई सामने में ही आता है, मतलब सामने आके फ्रंट पे आके कोई व्यक्ति नहीं बताता नाम। और इसी चीज को जानने के लिए कि कौन पार्टिसिपेट करता है, हमने सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराई थी। 7 to 8 कैजुअलिटीज थी सर, प्रॉपर टोटल जो भी पेशेंट्स आए थे 7 to 8 थे, 1 के केस, और उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा इधर मिला है। पूरी हमारे मेडिकल की टीम इधर मौजूद थी जो पूरा प्रशिक्षण किया, वो पूरा ट्रीटमेंट मिला। गंभीर रूप से एक भी घायल नहीं था, बस 1 के केस थे माइनर इंजरी। हिंगोट युद्ध कब से शुरू हुआ इसे लेकर अलग अलग बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि मराठा और औरंगजेब की सेनाओं के बीच युद्ध में पहली बार इस अस्त्र का इस्तेमाल मराठा सेना ने किया था और औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उसके बाद से एक दूसरे पर आग फेंकने का ये खतरनाक खेल खेला जाने लगा।